We'll be right back.
पूरा जिम। आप एक सप्ताह पहले बताते थे कि हम लोग ये आज हम यहाँ पे होंगे। नहीं, तो आज हम लोग आए हुए हैं गायघाट, जहाँ पर आपको देखने के लिए कुछ खास तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं ये बोट, और बोट में आदमी जो अपना मोबाइल चला रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा और ऊंचा ब्रिज जो गंगा नदी को पार कर रहा है। इसकी भव्यता देखने से ही बनती है। आप नदी किनारे देख सकते हैं लोग अपने पूजा पाठ का कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ लोग जार में गंगा नदी का पानी भर रहे हैं। ये दूर दूर से आते हैं लोग गंगा नदी का पानी भरने के लिए। ये पटना का गया गाय घाट है, गया नहीं गाय घाट ना जो भी है। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सी गंदगी आपको दिखेगी, मिट्टी वगैरह दिखेगी। हमें भी कुछ महीने या कुछ सालों के बाद यहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण होगा। देखिए वहाँ तैर रहा है क्या, गंगा नदी में बहकर आया जल कुंभी, जो ना पता कौन जानता है कहाँ से आ रहा है, बहुत ही दूर से आ रहा है। आप गंगा नदी का धार देख सकते हैं बीच में, जो कि बहुत ही तीव्र है। यहाँ ब्रिज बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए एक जाल बनाया गया है, जो कि बहुत यूनिक है, जो मैंने खुद पहली बार देखा है। मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये काम कैसे करता है, बट देखने से पता चलता है कि एक मछली पकड़ने का ही जाल है ये। वाह वाह, तालियां। तो एक आदमी गंगा नदी का जल लेके अपने साइकिल पर बांध रहा है, और वो जाएगा जा रहा अपना घर। देखिए कितने श्रद्धालु लोग यहाँ हैं। श्रद्धालु तो लग रहा ये भी कर रहा है। ये रिवर पूरा गंगा नदी को पार करता है। उस तरफ कौन सी सिटी है हमें नहीं मालूम, उस तरफ कौन सी सिटी है, कहाँ जा रहा है।